an object 5 cm length in height 25 cm away from converging lens of focal length 10 cm. Draw the diagram and the position, size, nature of the image formed. ठीक है, तो देखिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना कह रहे हैं, इसको एस से लेकर देते हैं, एस की वैल्यू क्या 5 सेंटीमीटर, और इस हेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, तो यू की वैल्यू क्या बताऊं, यू की वैल्यू करें 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है अपोजिट टू द रियल ऑब्जेक्ट है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये हमारा मान 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और क्या चीज है, फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ पॉजिटिव, ना ऐसा क्यों, अभी हमने रे डायग्राम बनाया था, फिर से बना दे रहे थे, देखिए जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर लेंस ने मिरर है, सब मतलब कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स होता है, कन्वर्जिंग जो है कॉन्केव होगा, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस है, हां अच्छा मिरर, तो ये लेंस कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स होगा, लेंस है तो कॉन्वेक्स है, और वही अगर मिरर कॉन्वेक्स लेंस है आपका कन्वर्जिंग होता है और कॉन्केव मिरर डाइवर्जिंग होता है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है, उनका कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट रे को कन्वर्ट करेगा, जोड़ देता एट पॉइंट ना, एट फोकस, फोकस पर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, अभी जान तो ये 5 सेंटीमीटर यू माइनस 25 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाँ क्या कह रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस है क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, क्यों कहलाता है, क्योंकि लाइट रे को प्रिंसिपल की ओर कन्वर्ट करता है, फोकस करता है, और कॉन्केव लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, क्योंकि वो लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर फेंकता है, ठीक है, तो देखिए जैसे फोकस है तो फोकस से क्या होगा, बोला लाइट रे इंसिडेंट बाय लाइट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, द पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, या अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, जैसे इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस में जो है लाइट रे क्या होगी, एक पॉइंट से डाइवर्ज होती है, फिर होगी ये फोकस, ठीक है, तो देखिए लाइट रे से फैल रही है, इसलिए इसको डाइवर्टिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्ज का मतलब फैलाना है, और इसमें लाइट रे देखिए कन्वर्ट हो रही है, हां इसलिए इसको कन्वर्टिंग लेंस कहते हैं, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन आप किस बेस पर कहते हैं, ये कन्वर्ट क्यों करता है, क्योंकि इसके लेंस कैन बी कंसीडर्ड टू मेड अप इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिज्म, ऐसा लेंस कैन बी कंसीडर्ड टू मेड अप इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिज्म, लेंस को प्रिज्म से मिलकर बना मान सकते हैं ना, ठीक है, तो देखिए इसमें प्रिज्म का बेस किधर है, इसमें प्रिज्म का बेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस को है, किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस को ना, प्रिज्म का बेस प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप जानते हैं कि लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म आफ्टर रिफ्लेक्शन बेंड टुवर्ड बेस, लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म आफ्टर रिफ्लेक्शन बेंड टुवर्ड द बेस, ये पढ़ा है ना, जब लाइट जो है प्रिज्म से पास हो गए तो बेस पर मुड़ जाती है, इमर्जेंट रे क्या होती है, बेस पर चली जाती है, ठीक है, हाँ ये थ्योरी पढ़ी थे सब बताया जाएगा, तो देखिए तो जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस है, प्रिज्म का बेस है ना, प्रिज्म का बेस है, तो देखिए मोड़ करके बेस को लगे, इस तरह से इस प्रिज्म से जब लाइट गिरेगी, जैसे इस प्रिज्म पर जब लाइट गिरेगी
रेशियो होगा तो मोड पर थीटा रहता है ना, डेंसर टू रेयर रेशियो। अब डेंसर टू रेयर रेयर टू डेंसर करिएगा तो फिर आपको जो इस टाइप के जैसे फ्रिंज है, ये फ्रिंज है ना, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन अपने क्या होता है फाइव फेसेस ज्योमेट्री होती है ना, ठीक है, फाइव फेसेस थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है, ठीक है। तो इसमें इस क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इस क्रॉस सेक्शन इज ए ट्रायंगल, फ्रिंज का इस क्रॉस सेक्शन क्या होता है ट्रायंगल, इसका हर पॉइंट किसी पॉइंट पर अगर क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो ट्रायंगल बनेगा। तो जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगी एक पॉइंट पर होगा, रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होते हैं, लाइट रे किसी एक पॉइंट गिरेगी, लाइट रे किसी एक पॉइंट गिरेगा, एक रे एक पॉइंट गिरेगा तो एक पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा, तो एक पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन होता है क्या होता है ट्रायंगल होता है ना, क्या होता है ट्रायंगल होता है, फ्रिंज का हर क्रॉस सेक्शन क्या होगा ट्रायंगल होगा। तो एक पॉइंट पर जब लाइट गिरेगी तो किस पर रिफ्रैक्ट होगी, ट्रायंगल पर रिफ्रैक्ट होगी ना, इसलिए ट्रायंगल लिखा है, फ्रिंज का प्रिंसिपल सेक्शन ट्रायंगल होता है, इसलिए रिफ्रैक्शन फ्रिंज फिनोमेना फ्रिंज पर दिखाने के लिए ट्रायंगल पर दिखाते हैं, किस पर दिखाते हैं ट्रायंगल पर, अदर फ्रिंज ट्रायंगल नहीं है, ये तो आपका थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री ना, यस सर, बॉर्डेड बाय फाइव फेसेस, सिर्फ पांच फेस होते हैं, एक आपका टॉप होगा एक बेस होगा और तीन ट्रायंगल होंगे साइड में ना, यस। तो नहीं तीन आपके क्या होंगे इस पर रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल होता है और दो ट्रायंगल होता है ना, सर तीन तो रेक्टेंगल होते हैं इसके और नीचे का एक होता है सर, नीचे के क्या होता है वो शायद स्क्वायर होता है, नीचे का स्क्वायर होता है, ये तो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं चार, एक दो तीन और नीचे का वो पार्ट चार, प्रिंट ले आइए उसमें निकालो, चार प्रिंट ले देखो ले निकाल ले, ये प्रिज है ना, तो देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये देखिए क्या है वो, तो ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल, तो तीन रेक्टेंगल हैं और दो ट्रायंगल है ना, देख लीजिए पांच
स्केच एक्सपेरिमेंट करा था करना चाहिए। इसके इधर क्या कहते हैं उसको, पे नाम दे ये गॉड दे दे इसके एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए तो आप लगाया ड्राइंग पेपर ले और पेन दे एक तो इसमें डिफ्रेक्शन से ना आपको देख रहे इसमें रिमूव पास होता है वैसे से लाइट रेस पास होती है इसे वाइट ब्राइट रेस जैसे लाइट रे देखें इसमें जो है रेनबो बनेगा इसमें रेनबो नहीं बनेगा इसमें स्पेक्ट्रम मिलेगा अपने पास से रिफ्लेक्ट हो जाती है स्कैटर नहीं होती ये अपने पास से बेंड हो जाते हैं अपने पास से मुड़ जाते हैं Bending of light from its path on passing through transparent medium इन्होंने रिफ्लेक्शन है इसमें रिफ्लेक्शन के नाम स्कैटरिंग तो दूसरी चीज ऐसे समझे इसमें कितने फेस होते हैं दो ट्रायंगल और तीन रेक्टेंगल ना पांच फेस होगा अब देखिए इसका हर जैसे कोई पॉइंट लीजिएगा उससे क्रॉस सेक्शन खींचेगा देखिए हमें लेफ्ट ट्रायंगल मिलेगा ना जैसे यहाँ से कट करते हैं यहाँ से हैं तो यही चित्र मिलेगा ट्रायंगल मिलेगा ना तो इस क्रॉस सेक्शन इस प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ट्रायंगल ना इसलिए रिफ्लेक्शन फिनोमेना दिखाने के लिए क्या करते हैं ट्रायंगल दिखाते हैं जैसे ये चित्र पूरी तो आप बना नहीं रहे यहाँ पर रिफ्लेक्शन यहाँ दिखा रही है ये तो ट्रायंगल ट्रायंगल क्यों बनाते हैं क्योंकि प्रिंस का इस सेक्शन क्या होता है इस क्रॉस सेक्शन प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है ट्रायंगल होता है अब प्रिंसिपल सेक्शन पर ही क्या होता है रिफ्लेक्शन फिनोमेना होती है ना इसे समझे ये चीज दिखाई दे रहा देखिए आप जो है आप कह रहे हैं कि डेंसर टू रेयर रेयर टू डेंसर वो चीज समझ लीजिए जैसे लाइट इस पर गिर रही है ना ठीक है तो लाइट इधर एयर है और इधर क्या ग्लास है व्हेन लाइट वे गो फ्रॉम एयर टू ग्लास देन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल से प्योर मुड़ जाती है ना ठीक है ये आप जानते हैं तो देखिए ये ग्लास में जा रही थी नॉर्मल कम हो जाएगी यहाँ नॉर्मल की थी नॉर्मल की थी ठीक है इधर देखिए इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल की दिया यस सर आप देखिए अगर एक ग्लास ना होता तो लाइट नहीं आती सीधे निकल जाते यस सर क्योंकि लाइट रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजेनियस मीडियम लाइट रे एडवांसेस इन स्ट्रेट लाइन इन ए होमोजेनियस मीडियम अगर एक ग्लास ना होता इधर एयर है यहाँ भी एयर होता तो लाइट रे सीधे चले जाती है एक मीडियम में लाइट सीधे जाती है मुड़ती नहीं है लेकिन जब दूसरे मीडियम एंटर करेगी तब इसका पाथ चेंज हो सकता है इसका पाथ चेंज हो सकता है अब देखिए एयर से ग्लास में जा रहे हैं लाइट तो वह लाइट ये गो फ्रॉम एयर टू ग्लास देन इट बेंड टू द नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल पर मुड़ जाती है ना क्योंकि ग्लास इज डेंसर देन एयर तो वह लाइट ये गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टू द नॉर्मल ये होता है ना ये प्रिंसिपल होता है तो देखिए ये आपका नॉर्मल है ये क्या चीज है नॉर्मल ये मानते ए है ये आपका बी है और ये भी इसी टेंट रे है बी एन क्या नॉर्मल ना ये इधर के एंडेज दिखा देते हैं ठीक है तो देखिए बेंड टू द नॉर्मल क्या मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा बेंड टू द नॉर्मल का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना देखिए लाइट रे की बात ये है ये नॉर्मल को मुड़ रही है नॉर्मल को मुड़ने मतलब इधर आके है जैसे वाला एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए आई ए भी आई है ये क्या है आई है ना यस सर आर का मान क्या आई से कम होना है आर का मान आई से कम होना है तो आई से कम दिखा एक तो इधर आके है ना ठीक है अब इसका पाथ ये हो गया ग्लास तो ग्लास के अंदर पाथ ये हो जाएगा इसका ठीक है अब ग्लास के जब बाहर जाएंगे तब फिर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि आप फिर ग्लास से एयर में जा रहे हैं लाइट रे कहाँ जा रही है ग्लास से एयर में वापस ग्लास से एयर में जा रहे हैं तो आप डेंसर से एयर में जा रहे हैं डेंसर से क्या जा रहे हैं एयर में तो लाइट रे गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट गो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होती है नॉर्मल से दूर हो जाती है ना जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है हैं तो नॉर्मल से दूर का मतलब जो है इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही हुआ तुम्हारा है ना
अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा ना। यस सर। अबे परम नॉर्मल का मतलब जैसे अगर इधर ग्लास होता तो पांच स्क्वायर रहता ना, लेकिन इधर एयर हो गया, जब एयर हो गया तो अब जो एंगल जो होगा हमारा वो बड़ा होगा इससे। ये आपका आर आई है इस सरफेस के लिए। यस सर। तो ये वर्ट के लिए अपोजिट एंगल ही बना। अब बेंड बोल रहे मतलब आर कमान ज्यादा होगा। यस सर। वो भी परम नॉर्मल का मतलब आर कमान ज्यादा हो गया, तो आर कमान ज्यादा दिखा दिया हमने, तो आर कमान ज्यादा दिखा देती है, ये हो गया ना। तो लाइट रे का पाथ क्या होगा, ये हो जाएगा ना। क्या चीज है, ये इमरजेंट रे हो गया। ये क्या हो गया, इमरजेंट, इमरजेंट रे ना, क्योंकि ये ग्लास के बाहर आ रहा है। ये क्या चीज है, ये रिफ्रैक्टेड रे, क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है ना। ये आपका रिफ्रैक्टेड ग्लास, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये ना। तो देखिए लाइट रे क्या है, बताइए, लाइट इन एब्सेंस ऑफ फ्रिंज पाथ ऑफ द रे इज ना, फ्रिंज ना होता तो पाथ ही होता। यस सर। अब प्रिंस पार्टिकल है तो पाथ ही हो गया, चेंज, पाथ चेंज हो गया, इधर हो गया, ये इधर था पाथ, अब पाथ आपका ये लाइट रे। तो लाइट रे क्या है, मतलब ये पाथ था, इधर लगे तो अपने पास से बेंड हो गए ना। यस सर। ना और कितने एंगल से बेंड हो रहा है, इतने एंगल से बेंड हो रहा है, तो अपने पास से इतने एंगल से डिवेट हो जा रहे ना, क्या मैंने डिवेट हो जा रहे बेंड, इतने से मुड़ गए ना, ठीक है। तो ये इमरजेंट रे क्या बोलो, बेस हो रहा है ना, इमरजेंट रे क्या बोलो, बेस हो रहा है। तो जब कोई जब लाइट रे प्रिंस से पास होगी तो इमरजेंट रे किधर जाती है, बेस की ओर, व्हेन लाइट पास थ्रू द प्रिंस देन इमरजेंट रे बेंड टुवर्ड द बेस, ये रिजल्ट मिल गया ना। तो ये प्रिंस के यहाँ लगता है, ठीक है। यस। तो देखिए प्रिंस कैन बी कंसीडर्ड टू मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर, लेंस कैन बी कंसीडर्ड टू मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंस, लेंस को आप बहुत सारे प्रिंस से मिलकर बना सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए जैसे एक प्रिंस ये ले लिया हमने, एक प्रिंस ये ले लिया, एक प्रिंस ये ले लिया, एक प्रिंस ये हो गया, एक प्रिंस ये हो गया, एक प्रिंस ये हो गया ना। यस सर। अब इसका रिफ्लेक्शन के टाइम दिखाना है, तो हमने एक लाइट यहाँ गिरा दिया इस प्रिंस पर, एक इस पर गिरा दिया, एक इस पर गिरा दिया, एक इस पर गिरा दिया है, स्टेप सीधा एक यहाँ गिरा दिया मैंने, एक यहाँ गिरा दिया, एक यहाँ गिरा दिया मैंने, एक यहाँ गिरा दिया, ठीक। तो देखिए ये लाइट रे क्या है, मतलब अब देखिए आपने आपने बताया कि लाइट रे पासिंग थ्रू द फ्रेम आफ्टर रिफ्लेक्शन बेंड टू द बेस, तो ये रे क्या होगा, बेस पर मुड़ जाएगी, बेस है फिर ना, इस प्रिंट इस वाले प्रिंट का बेस ये है, ये एक प्रिंट पर है, ये अपन इस बेस पर मुड़ेगा कितना है, अब इस तरह से ये भी बेस पर मुड़ेगा इधर, ये भी बेस पर मुड़ेगा इधर, ये भी बेस पर मुड़ेगा इधर, इस तरह से ये आपका बेस पर मुड़ेगा इधर इधर, ये बेस पर मुड़ेगा इधर इधर, ये बेस पर मुड़ेगा, ये बेस पर मुड़ेगा इधर। तो सभी देख क्या होता है, एक पॉइंट पर फोकस हो रहे हैं, कंसंट्रेट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं ना, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्ट कन्वर्टिंग है। कॉन्केव लेंस में देखिए, कॉन्केव लेंस में जो है बेस ऑफ द प्रिंस इज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव लेंस ही है अपना, ठीक है। तो इसका बेस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, दूर है ना, जब दूर है तो अब इस पर जब लाइट लेके रहेगा तो क्या होगा, ये इसका बेस इधर है, इधर बढ़ेगा ना। यस। बेस पर बढ़ेगा, बेस अबे फ्रैंक प्रेस पर लक्ष्य सर। यस। तो इधर हाँ इधर बढ़ेगा आपका, ये आपका इधर चला गया, ये आपका इधर चला गया, ठीक, ये आपका आपका इधर चला गया, ये आपका वो एक भी फोकल लेंस का नहीं आता है, एक भी नहीं आ रही है, इधर इधर चले गए, एक भी नहीं आ रही है। तो सभी रेस क्या हुआ था, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर घूम रही है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है, डायवर्ट, इसलिए इसको डायवर्जन लेंस कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, डायवर्जन, ठीक है। तो चलिए आ जाए, तो ये पॉइंट क्या कहला था, फोकस कहला था, जहाँ पर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है जिस पॉइंट से डायवर्ज होती है, डायवर्ज होती है, वो क्या कहला था, फोकस है, ये फोकस हो गया, ठीक है। तो आज अपने क्वेश्चन पर, तो
कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है, तो ये फोकस क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है ना, तो डिस्टेंस जो है आपका सेंटर से फोकस को चलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव, यस, तो इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। यस सर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट है, यस सर, हां, तो इसलिए इसे पॉजिटिव लिखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन, इमेज आपका रियल और वर्चुअल हो, अरे रियल और इन्वर्टेड होगा, और एम की वैल्यू एक से ज्यादा आती है तो मैग्नीफाइड होगा, अगर एम की वैल्यू 1 आती है तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा, लेस देन 1 आएगा तो डिमिश्ड होगा, अगर एम की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। एम की वैल्यू अगर मोर देन 1 आती है तो मैग्नीफाइड, लेस देन 1 आती है तो डिमिश्ड, है ना, ये होता है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, तो आपको क्या करना है, एड्रेस बताना है और एम बना, नेचर एम से नेचर मिल जाएगा और बी से पोजिशन मिल जाएगा। तो देखिए वन बाई एफ फॉर लेंस, लेंस फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर लेंस लेंस फॉर्मूला वन बाई एफ इक्वल क्या होगा, वन बाई बी माइनस वन बाई यू, ना, यस, ठीक है, इसको गॉसियन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो वन बाई टेन इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन माइनस 25, 1 by 10 और इसको तो 1 by b plus 1 by 25 ना, तो 1 by 10 minus 1 by 25 इसको तो 1 by b ना, तो 1 by b इसको कितना होगा, ये इस 25 10 का एलसीएम 50 होगा, क्या होगा, 50 ना, इसको 5 से कौन से मल्टीप्लाई करें, 5 by 50 minus 1 by 2 by 50 ना, ठीक है, इसको 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो 50 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा तभी आप न्यूमरेटर सबट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, तो बी इक्वल टू 50/3, ठीक है। अब चलिए लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए, तो फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ इवेंट डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इवेंट डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता ना, लेंस के लिए होता है, लेंस में पॉजिटिव यहाँ होगा, मेरा भी यहाँ माइनस हो जाता है। अब इसे मेजर रख दीजिए कि एम एच कोटी कितना हो जाएगा, 50/3 अपॉन यू की वैल्यू कितना है, माइनस 25, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2/3 आ जाएगी, तो माइनस आ रहा है इसका मतलब इन्वर्टेड ना, इन्वर्टेड है, हाँ, जैसे लीनियर मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज क्या होगा बताओ, इन्वर्टेड, और क्या होगा, रियल। अब देखिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन क्या है बताओ, लेस देन 1, क्योंकि इसको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, माइनस 0.666 है ना, ठीक है, तो इन लेस देन 1 है क्या होगा, इमेज का डिमिनिश छोटी, हां छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, डिमिनिश डिमिनिश है, ठीक है, और इमेज जो है ये हो गया, इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म, इमेज कहाँ फॉर्म कर बताओ, एट 50/3 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस ना, बिहाइंड द लेंस के पीछे बनेगा, है ना, पॉजिटिव डिस्टेंस है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट भी बनेगा, है ना, बिहाइंड द लेंस हो जाएगा, ठीक है, इसका रे डायग्राम बना, हो गया, अगर ये डिस्टेंस 10 मान लेते हैं तो 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा।
है ना, इससे थोड़ी दूर पर 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ठीक है। और ऑब्जेक्ट की हाइट वन, ऑब्जेक्ट की हाइट लेंथ 50 है, 5 है, और इमेज की लेंथ क्या होगी बताओ, इमेज की लेंथ निकाल लीजिए, यहाँ से इमेज लेंथ कितना हो जाएगा, कैसे डैश एम इक्वल टू कितना बताओ, एम इक्वल टू आपका माइनस 2/3 है, तो ये चीज हमारे कितना बताओ, एच डैश अपॉन एच है ना, माइनस 2/3, एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2/3 इंटू एच ना, तो माइनस 2/3 इंटू 5, एच एच डैश कितना हो जाएगा, माइनस 10/3, तो माइनस 3.3 हो जाएगा, माइनस 3.3 है ना। तो देखिए इमेज जो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, 3.3 सेंटीमीटर, इमेज लेंथ कितने होंगे, माइनस 3.3 सेंटीमीटर ना, माइनस से बता रहा कि ये ऑब्जेक्ट को उठा, ऑब्जेक्ट अगर परिसर इस ऊपर है तो इमेज नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है, हाँ। तो चलिए आप इसके इमेज बनाते हैं, तो देखिए आपका एफ है 10 सेंटीमीटर पर, ये फर्स्ट फोकस हो गया, और 10 सेंटीमीटर सेकंड फोकस हो जाएगा, इससे इमेज बनाने के लिए दो रेज हैं, एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, तो लाइट रे इंसिडेंट, लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, होता है एक, तो एक रे है ये हमने देखा था, अब एक रे हम आर्क का सेंटर से ले लेते हैं, तो लाइट रे पासिंग थ्रू आर्क का सेंटर गो स्ट्रेट इन थिन लेंस, गो अनडिविडेड है, लाइट रे पासिंग थ्रू आर्क का सेंटर गो अनडिविडेड इन थिन लेंस, तो ये आपका थिन लेंस पे सीधे मिल जाता है, ठीक है, जैसे भी चले जाएंगे ये आपका इमेज बन जाएगा, जहाँ कट करेगा वही इमेज हो जाएगा, तो ये जो इमेज क्या हो गया इमेज है, ठीक है। तो ये लेंथ इससे कम है, ये लेंथ क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर तुम्हारा, ये क्या है, ये आपका 10/3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर है ना, ठीक, ये आपका एच डैश है, ये आपका एच है, बस और ये डिस्टेंस कितना होता, ये डिस्टेंस आपने कितना निकाला है, ये डिस्टेंस आपने निकाला है 50/3 मतलब 13 पॉइंट कितना आएगा, 16.3 आएगा, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 16.3 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करेगा 3 1 जा फिर 20 हो जाएगा, 3 6 जा और फिर 3 6 है ना, 16.6 है, और ये डिस्टेंस कितना बताओ, ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर रेड डायग्राम है, ठीक है। तो सर पोजीशन इसका क्या होगा, पोजीशन आप 16.6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस बिहाइंड द लेंस, बस इसी मतलब बिटवीन, ये आपका बिटवीन, ये आपका बिटवीन एफ एंड टू एफ कह सकते हैं, बिटवीन एफ एंड टू एफ, जैसे आपका एफ है और टू एफ क्या होगा, बीस, टू एफ जो है 20 पर होगा ना, ये 10 पर है, टू एफ 20 पर होगा, सर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये 10 हुआ तो टू एफ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका 16.6 आ रहा है, तो 16.6 लाइव बिटवीन 10 एंड 20, 16.6 किसके बीच लाई करेगा, 10 एंड 20 पे ना, इसका मतलब एफ एंड टू एफ के बीच लाई करेगा, 10 20 मतलब एफ एंड टू एफ के बीच, ठीक है ना, यस सर, चलिए कॉपी करिए।